हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडे की एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। अंडे खाना सबको पसंद आता है, खासकर ठंड में अंडे खाना तो बहुत ही अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज हम बनाएंगे अंडे की बहुत ही अच्छी सी एक पुलाव। तो सबसे पहले अंडे उबाल लेंगे और ना तेल को ऐसे गर्म कर लेंगे और हम उसमें डालेंगे अपने उबले हुए अंडे और इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा फ्राई। इसमें फ्राई करने से पहले थोड़ा सा डालेंगे हल्दी और नमक। इसको थोड़ा कलर आने तक, अच्छा कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप चाहे तो इसमें कलर के लिए लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, उसके बिना भी अंडा बहुत ही अच्छे से कलर आ जाता है फ्राई करने से। तो देखिए अंडा फ्राई हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख के एक कुकर ले लेंगे। कुकर में तेल गरम करेंगे और डालेंगे थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और लौंग। तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा तो हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज। प्याज को हम थोड़ा लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि फ्राइड अनियन का ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा हम फ्राई कर लेते हैं पहले। ये देखिए इसका कलर थोड़ा ब्राउनिश हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे साथ में। अदरक लहसुन देखिए अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर इस स्टेज में डालने का यही कारण है क्योंकि अदरक लहसुन आप जैसे ही डालते हैं तो ये थोड़ा सा चिपकने लगता है, और हम टमाटर डालेंगे तो इसका जो पानी होता है उससे क्या होगा ना, अदरक लहसुन चिपकेगा नहीं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर। इसको भी हम जल्दी जल्दी से फ्राई कर लेंगे। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर और नमक। तो अब अगर आपके पास दही है तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी दही नहीं है तो मैं सिर्फ टमाटर से ही इसको बना रही हूँ। तो अब मसालों को भी हम साथ में क्या करेंगे ना, फ्राई कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए मसाले जो हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, मैंने 2 कप चावल को धो के अच्छे से रखा हुआ था, इसको डाल देंगे और मसालों के साथ ना 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए मसाले जो है चावल में अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे फ्राई करने से ना जो नमी होती है वो निकल जाती है और चावल जो है ना थोड़े से फ्राई हो जाते हैं, और ना हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही अच्छा एकदम खिल के आता है इसका टेस्ट। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कप के हिसाब से, 1 कप के हिसाब से 1.5 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने 3 कप गर्म पानी का इस्तेमाल किया है। अब देखिए इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए अंडे, और 3 से 4 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाल दी है, धनिया पत्ती डाल दी है। आप लोगों के पास पुदीना पत्ती है तो उसे भी बारीक कट के डाल दीजिए। और मैं लास्ट में डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा शाही बिरयानी मसाला। अब क्या है, इसको लगा के, ढक्कन लगा के 2 सीटी आने तक इसको ना कुक कर लेंगे। तो रेडी हो गई है हमारी ये गर्मा गर्म अंडा पुलाव की रेसिपी। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।